हेलो फ्रेंड्स, और ये मैंने लिया है जॉर्ज का पियानो। तो इसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ। ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से। तो दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। इसको पहले पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। ये है जॉर्ज, और इसका जो है JRK661 जो है ये इसका कोड है, और ये अमेज़ॉन से लिया है। देखिए, अमेज़ॉन इन मैंने आपको पूरा डिटेल में मैं बता रही हूँ, और इसको ओपन कर रही हूँ। देखिए, ये थर्माकोल दोनों साइड से जो सेफ्टी के लिए लगाए गए थे वो मैंने हटा दिए हैं, और इसमें ये लगा है एडाप्टर। तो ये बिजली का प्लग है, जो कि एक प्लग पियानो में लगेगा और एक बिजली के बोर्ड में। और ये है स्टैंड, जिस पर हम अपना बुक या पेपर कुछ भी रख कर रीड कर सकते हैं। और ये है माइक, जो कि छोटा सा साउंड माइक आया है, और ये स्टैंड इसके साथ फिक्स हो जाता है। इसके ऊपर हम फ़ोन रखे, बुक रखे, पेपर रखे इजीली पढ़ सकते हैं, और अपना पियानो का जो भी कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं वहाँ फिट कर सकते हैं स्टैंड के अंदर। तो और ये पेपर आए हैं दो, जिसमें कि पियानो के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी सारी इकाइयाँ कि इसको कैसे कितने साउंड हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये आया है हमारा जितने भी हमारी मात्राएँ होती हैं उसको याद रखने के लिए। आप हम इस स्टिकर्स आए हैं, इसको चिपका सकते हैं अपने बटन्स के की के ऊपर। तो ये मैंने अभी जो है अपना अडॉप्टर जो है ये मैंने निकाल लिया है, इसको मैं प्लगिंग कर रही हूँ। तो इसको प्लग को, एक इसका जो प्लग है पतला वाला नॉब, इसे मैं ये कीबोर्ड के बैक साइड में लगा लूँगी। और दूसरा प्लग जो है मैं बोर्ड में लगा दूंगी, क्योंकि इसका तार वायर छोटा है तो मुझे बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो मैंने बोर्ड लगा के इसको कनेक्ट कर दिया है, और अब मैं इसका ये जो रेड बटन है ये इसमें ऑन ऑफ करने का है। तो इसे हम चला दबाएंगे तो बीच में लाइट जल जाएगी, और 120 लिखा हुआ आ रहा है। और इसकी साउंड बहुत अच्छी है, और सारी कीज़ मैंने चेक कर ली हैं एक एक बजा करके, क्योंकि मैंने इससे पहले जो पियानो ऑर्डर किया था उसमें बीच में पांचों की जो हैं वो मेरी अटकी हुई थी, वो चालू नहीं थी। मैंने इसको रिप्लेस करके दूसरा मंगाया है। जब हम इसे बजाना शुरू करते हैं तो जितने भी हमारे ये की बनी हुई हैं, तो हमें जो है ये मिड से शुरू करना है। इसमें बनी हुई है पांच पांच का पूरा वो है, कीज़ का सेट है, 1 2 3 4 5 सेट हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ मिड से शुरू करूँगी, तो जो हम बजाएंगे, जो भी धुन हम बजाएंगे, हम मिड से ही शुरू करेंगे। वैसे तो हम किसी पर भी बजा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है सही धुन निकलती है और परफेक्ट आवाज़ आती है, और सीखने के लिए यही मिड पॉइंट ही बहुत अच्छा रहता है। गाइस, मैं आपके सामने ही इसे यूज़ करके बता रही हूँ।
यहाँ पर हम कोई और की लगा लेते हैं, जैसे कि इस पर, ये देखिए इसका आवाज़ एकदम बदल गई है, जल्दी है। यहाँ से हम इसकी आवाज़ को तेज कर सकते हैं, यहाँ देखिए हमारा हाईएस्ट 16 पे चला गया। फ्रेंड्स, मैंने ये सीखने के लिए लिया है, अभी मुझे आता नहीं है, मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सा सा